अरे हेलो, यार, आज का ये सत्र हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। उससे पहले आप सभी का स्वागत है इस सत्र में। हरि ओम सभी को प्रणाम। ओम सहनावतु सहनाहुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रणाम सभी को। हम इस सत्र को शुरू करने से पहले पिछले सत्र में जो अभंग 3 के ऊपर चर्चा हुई थी, उसमें से एक पहला चरण जो है वो लिया था, त्रिगुण सार निर्गुण है सार, सारा सार विचार हरि पाठ। त्रिगुण क्या है, निर्गुण क्या है, और इसका जो सार है, सार और असार, जो त्रिगुण है वो असार है मतलब असत्य है, और जो निर्गुण है वो सत्य है, वो जीवन का सार है। जैसे जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य ऐसे कहा जाता है, जगत के बिना ब्रह्म नहीं और ब्रह्म के बिना जगत नहीं है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के पूरक है। तो निर्गुण और सगुण यानी त्रिगुण और निर्गुण, ये एक दूसरे के बिना सार और असार, उसके बिना जगत नहीं है, या एक दूसरे के बिना आप प्रकृति के बिना पुरुष और पुरुष के बिना प्रकृति नहीं। प्रकृति क्या है, 3 गुण, और पुरुष क्या है, जो निराकार निर्गुण ये पुरुष है। तो ये एक से आता है और ये देखा, परंतु उसके साथ साथ हमने त्रिगुण और निर्गुण में भक्ति का स्वरूप भी देखा है। उसमें देखा था कि भक्ति एक 3 गुणों के ऊपर भक्ति रहती है, सात्विक राजसी और तामसी। ये तीनों भी भक्ति अलग अलग प्रकार की है, लेकिन है तो भक्ति, गंतव्य तो भक्ति का ही है, परंतु दिशा अलग अलग है। गंतव्य उसका एक ही है, परंतु दिशा अलग अलग होने के कारण उनका रिजल्ट भी उसी परिणाम स्वरूप आता है। आपने सात्विक भक्ति के बारे में हमने चर्चा की थी। जो सात्विक भक्ति है वो मनुष्य किस प्रकार का होता है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी वो असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चल। सात्विक जो मनुष्य होता है वो संसार से मुक्त होना चाहता है, पाप से मुक्त होना चाहता है, मुझे मुक्ति मिले, इस संसार से मुझे मुक्ति मिले। सात्विक व्यक्ति की सोच इस प्रकार की होती है, और वो सात्विक व्यक्ति की जो पुकार होती है वो बड़ी सात्विकता से होती है कि इस कल्पना के पार, इस शून्य के पार मुझे उस विराट स्वरूप का दर्शन करना है, इस प्रकार की सात्विक भक्ति होती है। परंतु ये भक्ति भी आखिरी आखिरी पड़ाव नहीं है, उसमें भी कुछ ना कुछ शेष है। उसी प्रकार जो राजसी भक्ति होती है, उस राजसी भक्ति में मांग होती है, किस तरह की मांग होती है, मुझे राज्य मिले, मुझे सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, ये पद मिले, वो पद मिले, जगत में संसार में दुनिया में मेरा नाम हो, इस प्रकार की मांग राजसी भक्ति में होती है। तो ये जो अहंकार की तृप्ति के लिए, उसकी अस्मिता बढ़ाने के लिए ये राजसी भक्ति होती है। परंतु कुछ हो जाओ या किसी भी रूप में राजसी भक्त अपनी भक्ति को साकार करता है, कुछ हद तक साकार करते ही वो अपने उसी मांग के कारण नीचे की स्तर पर आ जाता है। जो तीसरी भक्ति है वो क्या है, तामसी भक्ति। तामसी भक्ति में क्या कहा है,
जो तामसी व्यक्ति होता है उसको तो मांगने की भी बुद्धि नहीं होती है। वो राज्य भी नहीं मांग सकता, न यश न कीर्ति, कुछ भी नहीं वो मांगता। वो कहता है फला आदमी मर जाए, उस पर दुख का पहाड़ गिर पड़े, चाहे उसे मिटाने के लिए मैं मिट जाऊं, इसे मैं मिटा कर ही रहूंगा। इस प्रकार की सोच तामसी भक्ति की होती है, क्योंकि उसके भीतर उसके मन में क्रोध, ईर्ष्या, तमस से, हिंसा से, ईर्ष्या से, वो विनाश से आंदोलित होता रहता है। इसलिए वो भक्ति भी भक्ति का ही स्वरूप है, परंतु ये नीचे स्तर की तामसिक स्तर की भक्ति है। तो ये जो तीनों भक्ति के स्वरूप जो है वो गौणी भक्तियां है। हमने तीन प्रकार भक्ति के देखे थे, मुख्या भक्ति, गौणी भक्ति और पराभक्ति। तो इसमें से जो ये तीनों भक्तियां है ये गौणी प्रकार की भक्तियां है। अब राजसी में क्या होता है, ज्यादा कल्याण राजसी से ज्यादा कल्याणकारी भक्ति सात्विक होती है। इन तीनों से ज्यादा कल्याणकारी भक्ति कौन सी होती है, तो पराभक्ति। ना गौणी भक्ति ना मुख्या भक्ति, उससे भी ज्यादा पराभक्ति कल्याणकारी होती है। अब भक्ति तीनों में भी है, तामस प्रधान व्यक्ति में भी भक्ति है, राजस प्रधान व्यक्ति में भी भक्ति है और सत्व प्रधान व्यक्ति में भी भक्ति है। अब रही बात इन तीनों भक्तियों का गंतव्य, इन तीनों का भी गंतव्य एक ही है, परंतु एक तामस की ओर जा रहा है, एक राजस की ओर और एक सात्विकता की ओर। अब ये बुरे काम के लिए जो निकला आदमी भगवान के पास तो जाता है, क्योंकि उसकी पुकार जो होती है वो उसी लेवल की होती है, लेकिन उसमें जाने का रास्ता गलत है, लेकिन जाता ठीक जगह है। उसकी आकांक्षा से, चाहे उसकी आकांक्षा गलत हो, क्योंकि उसके पीछे का कारण है उसकी आंखें धुंधली है, ईर्ष्या से, क्रोध से, उसके मन में हिंसा भरी हुई है, इसी कारण उसके आंखों में जो क्रोध का पर्दा है उसी कारण वो सही तरीके से उसको दिशा नहीं है। तो ये जो फिर से वो स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा जो बचा हुआ है वहां से हम शुरू करेंगे। जो ये तामसी भक्ति है वो क्रोध के कारण है या ईर्ष्या के कारण, तो उसके आंखों में जो क्या बोलते धुंधली धुनकाली छाई है, इसलिए वो अपनी प्रार्थना से कभी ना कभी ये जो परछाई हुई है या धुनकाली हुई है उसके भीतर, वो कभी ना कभी छूट जाएगी। तो इस प्रकार तामसी व्यक्ति भी राजस या सात्विक भक्ति के लेवल पर आ जाएगा। जो राजसी व्यक्ति है, राजसी व्यक्ति जो आदमी धन के लिए या पद के लिए मांगने जाता है, मांगने गया था, वह कब तक मांगेगा, उससे एक ना एक दिन उसी मांग की भी पछतावा हो जाएगा या उसको पता चलेगा कि ये मैंने क्या मांगा तो मैंने ही मांगा है, तो इसका परिणाम में मुझे ही भोगना पड़ेगा। एक ना एक दिन उसको भी मांगते मांगते प्रार्थना करते करते होश संभालेगा वो भी, और कम से कम स्वयं को मंदिर में तो वो पाएगा ही पाएगा, उसे होश आ जाएगा, गलत कारण से ना सही लेकिन वो ठीक जगह पर पहुंचेगा। कभी तो कभी उसको झलक मिल जाएगी सात्विक होने की या सात्विक मांग की, तो वो अपने आप को होश संभालेगा, तो उसको पता चलेगा कि परमात्मा से धन मांगा बड़ी भूल हो गई मुझसे, कुछ और बड़ी बात मांगी होती तो ठीक था, मिला भी तो कुछ ना पाया, मतलब उसने सारा संसार मांगा, पद मांगा, प्रतिष्ठा मांगी, सम्मान मांगा, लेकिन आखिर में उसके पास बचा कुछ भी नहीं। तो ये कुछ क्षण के बाद उसको होश आएगा, तब उसको पता चलेगा कि ये मैंने गलत तरीके से मांगा है, परंतु
भगवान परमात्मा की इच्छा से वो सही जगह पर पहुंच तो जाएगा। इस प्रकार की राजसिक भक्ति की मांग होती है। अब वो कुछ कर भी नहीं सकता, जो भी उसको मिला है वो उसने अपने स्वयं ने मांगा था, इसीलिए उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है, कर्म का जो सिद्धांत है, वो उसको भुगतना ही पड़ता है। परंतु दिशा सही होने के कारण वो आखिर में सही जगह पर पहुंच जाता है। उसके भीतर मन में एक विचार आता है, असतो मा सद्गमये, असत्य से सत्य की तरफ हे प्रभु मुझे लेके चल, ये भावना उसके भीतर आ जाती है। जब सत्व प्रधान व्यक्ति होता है, जो सत्व की प्रार्थना जो होती है वो तो हमेशा जारी रहती है, परमात्मा की भेंट या कुछ जगत का कल्याण करने के लिए वो अपना प्रार्थना उसकी जारी तो रहती है। परंतु उस जब किसी ना किसी दिन हमें दिखाई पड़ जाएगा कि परमात्मा जो सत्व प्रधान जो व्यक्ति है उसको एक ना एक दिन दिखाई पड़ेगा कि परमात्मा से सत्य को मांग रहा हूं, परमात्मा को ही मांग लेता तो मांगने के लिए कुछ बचता ही नहीं, मैं कुछ बड़ा मांग लिया होता तो और अच्छा होता, उस मालिक को ही मांग लिया होता तो मांगने के लिए कुछ बचता ही नहीं, हर पर हर क्षण मालिक मेरे साथ रहता और जो भी तो कुछ मांगना ही नहीं पड़ता, ऐसे उसके मन में प्रार्थना करते करते विचार आते हैं। तो फिर सब तो इसके साथ ही आ जाता, मतलब मालिक को मांगा तो जो भी चाहिए वो उस मालिक के साथ ही मुझे मिल जाता था। तो इस मांग के कारण उसकी जो सात्विकता है वो और भी शुद्ध हो जाती है और वो अपने प्रकाश से, अमृत से, अपनी छाया से वो छूट जाता है और उसकी मांग पूर्ण रूप से धीरे 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 समाप्त होकर वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। अब ये तीनों भक्तियों की जो सूत्र है, तीनों भक्तियों का जो प्रकार है, वो पहले कहा था कि इन तीनों का भी गंतव्य एक ही है लेकिन दिशा अलग अलग है। अब हमारी यहाँ सोच है हरिपाठ, जो विचार, जो सारा सा है, अब हम यहाँ तक तो पहुंच चुके हैं कि हम किस लेवल पर स्थिर है, हमारी जो भक्ति है, हमारा जो समर्पण है, हमारे जो विचार है वो कहाँ तक है, हम क्या चाहते हैं, उस मालिक को चाहते हैं या स्वयं को चाहते हैं या जगत का कल्याण चाहते हैं। तो ये विचार जो सारा सार है, सत्य और असत्य का जो बोध होना चाहिए, वो बोध किस प्रकार से होगा, तो विवेक के माध्यम से, और विवेक को जागृत करने के लिए ही ये हरिपाठ का जो किताब है, तत्व ज्ञान, तत्व बोध के जो विषय की चर्चा हो रही है, इसका सार ही, उसका मतित अर्थ ही ये है कि आप अपना चिंतन, मनन और नीति ध्यान सातत्य से बनाए रखें, ताकि हमें अपने ही स्वरूप का ज्ञान होगा, अपना ही ज्ञान धीरे 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 हमारे सामने प्रकट होगा। ये इसलिए तामस भक्ति और राजसी भक्ति और सात्विक भक्ति बताई गई थी, ताकि हम अपने स्वरूप को किस प्रकार से, किस ढांचा में हमें डालना है। क्योंकि भक्ति का जो अर्थ है, भक्ति क्या है, भक्ति समर्पण है, जहां समर्पण है वहां भक्ति है। तो परमात्मा का जो परमात्मा पर जो बोझ देने के लिए योगी को एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, बहुत सारे आसन करने पड़ते हैं, तंत्र विद्या, योग विद्या, सारी साधनाएं करनी पड़ती है। परंतु भक्ति क्या है, भक्ति एक छलांग है, भक्त के पास ऐसी आंख होती है जो आंख वालों के पास भी नहीं होती, वो तो एक छलांग है, बस आपको स्वयं को वहां मिटाना होता है। परंतु यहाँ अब योगी जो होता है वो नदी की धारा के विपरीत प्रवाह से तैरता रहता है, और भक्त जो होता है उसके भीतर समर्पण की भावना होने के कारण वो जिस प्रकार से नदी बहती है उसी प्रकार से वो बहता है, चाहे वो गलत तरीके से भेजा है तब भी उसका समर्पण उस नदी के प्रति होता है, उस परमात्मा के प्रति होता है।
तो ये समर्पण भाव जो होता है वो भक्त के साथ रहता है। और भक्त कहता है जहां तो लेके जाना है वहां मैं तैयार हूं, बस मैं अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये हिम्मत भक्त के पास होती है। और जिस प्रकार आपने देखा होगा जुआरी होता है, जुआरी खेल में अपना पूरा दाव लगाता है, उसी प्रकार भक्त भी भक्ति में अपना पूरा दाव लगाता है, पूरा समर्पित हो जाता है। और वो कहता है अब तुझे जहां लेके जाना है वहां लेके जाओ, क्योंकि मैंने एक बार तो छलांग लगा दी है, अब मरना भी है या जीना है या तैरना है वो आपके हाथ में है। इस प्रकार की छलांग, इस प्रकार का समर्पण भाव भक्त के भीतर होता है। जैसे जीवित आदमी नदी में डूब जाने की संभावना होती है, परंतु जब मुर्दा नदी में डालते हैं तो तैरता है। जीवित आदमी को पता होता है कि डूबने के बाद कैसे ऊपर आना है या ती है, परंतु मुर्दे को ये तरकीब पता नहीं होती। तो जिंदा आदमी जो होता है वो बचने की चेष्टा करता है और अपने को डूब जाने से बचाता है। उसी प्रकार भक्त जीते जी पूर्ण रूप से मर जाता है। वो कहता है हम है ही नहीं, बस तू ही है, हम है ही कौन, हम तो एक भ्रम है। उसको भक्त हमेशा पागल रहता है, लेकिन उस पागलपन में भी उसको होश रहता है, उस बेहोशी में भी उसको होश रहता है, उसे भक्त कहते हैं। भक्त हमेशा अपने ही अंदर होश में रहता है, उसको पता होता है कि क्या चल रहा है। वो बेहोश तो है परंतु होश में रहता है। इससे ही सही समर्पण और सही भक्त का वो परिचय है। जैसे ऐसा कहा जाए तो भक्ति एक सुगम है, सुगम। बेहोशी में भी उसको पता होता है कि कहाँ गिरना है, परमात्मा के चरणों में एक जगह, परमात्मा के चरणों में जगह होती है, वो सही जगह गिरता है। वो पागल होते हुए भी वो सही जगह पर गिरता है। इसका मतलब भक्ति कोई साधना नहीं, भक्ति क्या है, उपासना है। और साधनाएं जो होती है वो ध्यान द्वारा योग साधती है। और भक्ति में बस आपको समर्पण करना होता है। उपासना का अर्थ क्या होता है, उप प्लस आसन, जो उसके पास बैठ जाना, उसके पास यानी परमात्मा के पास बैठ जाना, उसके चरणों में गिर जाना, उसके चरणों में जगह है गिरने के लिए। इसलिए हम पूछते नहीं है कि कहाँ गिरे, हम सीधा उस परमात्मा के चरणों में गिरते हैं। हम बेहोश हो जाते हैं, लेकिन चरणों में बेहोश होते हुए भी हमें होश होता है कि हम कहाँ गिरे हैं। ये भक्त की पहचान है। अन्यथा भक्त उसके चरणों में कहीं भी एक जगह पर होते तो परमात्मा काबा में होते, काशी में होते, गुरुद्वार में होते, अलग अलग जगह पर परमात्मा आपको दिखाई देते हैं। जैसे श्री रामकृष्ण पुजारी ना थे, वो कहते भक्त थे। और ऐसे भक्त थे जो वृत्ति में हृदय महत्वपूर्ण होता है और योग में फेफड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे योग का संबंध फेफड़ों से आता है, वैसे ही हृदय का संबंध भक्ति से आता है। जब एक बार आपने किसी को हृदय दे दिया तो फिर वो उसी का हो जाता है। तो उस प्रकार भक्त अपने स्वयं को पूर्ण रूप से उस परमात्मा के प्रति समर्पित करता है, जिस प्रकार मीराबाई ने किया, सूरदास ने किया,
राधा ने, राधा और कृष्ण, राधा ने अपने संपूर्ण प्रेम से समर्पित कर दिया। इस प्रकार समर्पण भाव, भक्ति जहाँ भक्ति है वहां परमात्मा है, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि समर्पण में ही परमात्मा है। परमात्मा सदा हमारे साथ, हमारे पास रहता है। कब? जब हमारा समर्पण उच्च स्तर पर जाता है, तब परमात्मा आपके पास ही रहता है। एक बार तुम उसको हाथों में अपने को छोड़ दो, बस वही आत्मा उस परमात्मा का मिलन हो जाता है। क्योंकि नारद भक्ति सूत्र में जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये सूत्र जो नारद जी ने दिया है, उस सूत्र में पूर्ण रूप से भक्ति और प्रेम का सूत्र है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ये संबंध है। नारद सूत्र में भक्ति को अमृत स्वरूप भी कहा गया है, जिसने परम प्रेम रूपा ऐसे भी कहा जाता है, क्योंकि जिसने परम प्रेम को जाना है फिर उसकी कोई मृत्यु नहीं होती। जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है वहां एक अमृत रस पैदा होता है और वह भक्ति है। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में लिखा गया है कि सर्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसलिए कहा जाता है कि नारद जी भक्ति के सदगुरु है। उन्होंने ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि ईश्वर शब्द नहीं है। त्वास्मिन् उसके प्रति नाम किया, क्योंकि ईश्वर शब्द नहीं है। त्वास्मिन् उसके प्रति नाम मत दो, ताकि नाम दोगे तो तुम्हारा अपना नाम होगा, तुम्हारा मन यानी हमारा जो मन है वो प्रविष्ट हो जाएगा, और जो ईश्वर है वो अनाम है, अरूप है, निराकार है। और ईश्वर शब्द आते ही हमारे मन में आकार उठने लगते हैं, और थोड़ा सोचो तो उसके प्रति आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार के आकार उठते हैं। हम ईश्वर को अलग अलग प्रकार से देखते हैं, जैसे नाम आता है उसी प्रकार ईश्वर हमारे सामने काल्पनिक हो जाता है। परमात्मा इतना तो आसान नहीं है कि वह समझ में आ जाए। वस्तुतः उसे समझने के लिए सब समझ छोड़नी पड़ती है, परंतु हम सभी समझने की चेष्टा करते हैं, इसलिए परमात्मा हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हमने नाम दिए हैं और नाम के कारण हमें परमात्मा समझ में, ईश्वर समझ में ही नहीं आ रहा है। तो पहले बात ये ध्यान रखना है कि पहले हमें स्वयं को समझना है, उसे समझने के लिए अपने स्वयं की समझ को छोड़ना पड़ेगा हमें। वही समझ पाते हैं जो समझ का आग्रह छोड़ देते हैं। हम बहुत बार कहते हैं साधना में, जैसे हमारी साधना हो जाती है या साधना में कुछ अनुभव आ जाते हैं, तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं कि हमें दर्शन हुआ, हमें इस प्रकार की ऊर्जा महसूस हुई, हमें उस ईश्वरीय तत्व का, ईश्वरीय ऊर्जा का अनुभव हुआ। ये जो प्रकार हमारे साथ घटते हैं एक क्षणिक होते हैं, एक क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए, परंतु हम उस भ्रम में जीते हैं कि हम उस परमात्मा को, उस शक्ति को, उसका दर्शन हमने किया, उसका अनुभव हमने किया। ये हर साधक के भीतर ये विचार, ये सोच, और इस सोच से ही साधक गुजरता है, और उसको यही लगता है कि यही सत्य है, इसीलिए हमारा मन भ्रमित हो जाता है। परंतु जैसे जैसे हम अपने स्वयं, आपने ये भी अनुभव किया होगा कि हमें ये सारा का सारा ज्ञान हो जाता है, लेकिन हम अपने को कभी नहीं छोड़ते,
हमारा विचार अलग साइड में रहता है और जो हमें बोध हुआ है, जो हमें अनुभव अनुभूति आती है, जो हमें प्राप्त होता है, उसको ही पकड़ के हम बैठते हैं, परंतु हम अपने को कभी छोड़ते नहीं है। ये अनुभव हर साधक करता है, सत्य है ना ये? तो ये उसके प्रति जो विराट का द्वार जो खुलना चाहिए वो इसीलिए खुलता नहीं है। वहां तक तो जाते हैं, परंतु हमारी सोच, हमारा ही विचार हमें उस दरवाजे तक आकर बंद करता है, स्टॉप करता है, और वो दरवाजा खुलता ही नहीं। उस विराट सोदे आकाश इस सभी में वही सम्मिलित होता है, परंतु हमें उस दृश्य का अनुभव हम नहीं कर पाते। परमात्मा हम कहते तो है, ईश्वर हम कहते तो है, परंतु हमारी बात कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है। फिर बात बिगड़ जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, फिर सृष्टि की निंदा में लग जाते हैं और सृष्टा की पूजा करते हैं। अब देखिए, बात ध्यान से सुने। सृष्टि और सृष्टा का मतलब यहाँ थोड़ा सा अलग लिया है कि जैसे जो प्रकृति है, जो हमने त्रिगुण को आसार माना है और निर्गुण को सार कहा है इस हरिपाठ में, तो हम उसी पर ले उसी घटना पर आ गए वापस। हम जा तो है सभी जगह पर है, सभी जन हम वहीं पर जा रहे हैं, परंतु सृष्टि और सृष्टा से भेद कर रहे हैं। जैसे सृष्टि की हम निंदा करने लगते हैं और सृष्टा को हम पूछते हैं, देखा जाए तो दोनों एक ही है, फिर भी हम उसको भेद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भ्रम के कारण। हमने जो भी अनुभव किया है, साधना में हो, ध्यान में हो, या हमारी उपासना में जो भी हम ध्यान अनुभव करते हैं, उस अनुभव को ही हम सत्य मानते हैं और सत्य को छोड़ देते हैं। उसी कारण हम पूर्ण रूप से भ्रमित अवस्था में जी रहे हैं, और इसी कारण ना सृष्टा समझ आ रहा है ना सृष्टि समझ आ रही है, हम सृष्टि को ही सत्य मान रहे हैं। तो ये जो है सात वास्मिक परम प्रेम रूपा, उसके प्रति परम प्रेम का नाम है, उस परमात्मा के प्रति। यहां ना नाम का पता है ना धाम का, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ जो प्रेम तो नाम धाम के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम करने के लिए नाम होना चाहिए, कुछ ठिकान होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए, कोई ना कुछ होना चाहिए। प्रेम के लिए नाम धाम चाहिए, क्योंकि प्रेम एक सगुण स्वरूप है, साकार है। इसलिए नाम पता होना चाहिए, परंतु जब परमात्मा का कोई पता ही नहीं, तो उसको पाने के लिए क्या होना चाहिए? एक बावलापन, पागलपन, निराकार के लिए एक अद्भुत प्रेम चाहिए। जिन्होंने परमात्मा के प्रति प्रेम को जाना है, उन्होंने यही जाना है कि वहां कोई है ही नहीं। जैसे संत मीराबाई, राधारानी, सुरदास जी, ये सब हम जितने भी संतों को हम देखते हैं, उन संतों के बारे में यही हमें समझ आ रही है कि इन्होंने अपने स्वयं को छोड़ा है, इसीलिए उन्होंने उस जगत को पाया, उस परमात्मा को पाया, जहां पाने के लिए और जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ऐसा प्रेम उन्होंने उस परमात्मा के प्रति और स्वयं के प्रति लिया। हमारे गुरुदेव जी बार बार कहते हैं, उन्होंने एक श्लोगन में लिखा है, स्वयं पर प्रेम करना सीखोगे तब दूसरों पर प्रेम करना सीखोगे। तो पहले हमें अपने ही ऊपर स्वयं के प्रति ही प्रेम करना सीखना है, ताकि हम दूसरों के ऊपर प्रेम करना सीख जाएंगे। परंतु होता उल्टा ही है, हम नाम के प्रति, वस्तु के प्रति, सामने वाले के प्रति प्रेम करने की चेष्टा करते हैं, इसीलिए स्वयं को भूल जाते हैं।
और उसी को ही पकड़कर हम प्रेम करने की चेष्टा करते हैं। तो ये जो प्रेम है वो कुछ मर्यादा होती है, और जो परम प्रेम है उसमें अमर्याद है, उसमें प्रेम मर्यादा है ही नहीं। तो जिन्होंने भी परमात्मा के प्रति प्रेम को जाना, उन्होंने यही जाना है कि वहां कोई है भी नहीं, बस प्रेम ही प्रेम है। यानी ऐसे देखा जाए तो परमात्मा के प्रति कहना ठीक नहीं है, वहां कोई प्रति है ही नहीं, वहां सिर्फ प्रेम का निवेदन है, किसी के प्रति नहीं, सिर्फ प्रेम का आविर्भाव है, शुद्ध प्रेम अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात प्रेम रूप प्रेम स्वरूप प्रेम रूपा, जो ऊर्जा का एक उत्थान है, ऊर्जा का एक उठाव है, जो हमारे निरंतर हमारे भीतर प्रकाशित होता है। हम उसी में रहते हैं और हमारे ही ऊर्जा से जो हमारे इधर उधर जो भी जहां भी हमारे संगत में होते हैं उन सभी को उस ऊर्जा का अनुभव होता है, और ये अनुभव हमने सभी ने सभी किसी ना किसी रूप में से किया गया है। जैसे हम गुरु जी के साथ रहते हैं तो आपने एक ऊर्जा महसूस की होगी, एक प्रेम स्नेह इसकी ऊर्जा आप हम सभी ने महसूस की है। तो ये पशु पक्षी पौधे आकाश विराट स्वरूप में सम्मिलित होता है परम प्रेम, जो जब प्रेमी की भी जरूरत उसमें ना प्रेमी की जरूरत होती है ना किसी खरा प्रेम, परम प्रेम नहीं है, प्रेम है परम परंतु परम प्रेम नहीं है, वो तो निर्भर है किसी ना किसी घटना के आधारित निर्भर है, और निर्भर है तो शुद्ध नहीं है, और परम प्रेम क्या है, शुद्ध स्वरूप है। प्रेम करोगे वो तुम्हारे प्रेम प्रेम को अपने आप ढक देगा, जो परम प्रेम उसमें ना इसमें कोई भी बचता नहीं, बस खालीपन है पूरा। ये भक्ति के आभूषण है, इसलिए उसको बताया गया कि प्रेम क्या है। भक्ति के आभूषण बनाते हो तो प्रेम हो जाता है, और जब तुम प्रेम के आभूषणों को पिघला कर शुद्ध कर लेते हो तब वो भक्ति बन जाती है। यानी प्रेम और भक्ति एक दूसरे के साथ जीते रहते हैं। जब तुम प्रेम के आभूषण पिघलाते हो तो प्रेमी भी पिघल जाता है। तुम जिसे प्रेम कहते हो वो बचता नहीं, तुम भी नहीं बचते, केवल शुद्धतम प्रेम बचता है, वहां ना मैं हूं ना तू, और प्रेमी और भक्त दोनों भी खो जाते हैं, और वही निर्गुण है। भक्ति के भीतर सार आने लगता है, वही नर्तन आने लगता है। अगर कोई भी आदमी अपने को भुलाकर बेगाना हो जाता है परमात्मा को पाने के अड़चन नहीं, तब उसको परमात्मा को पाने के लिए कोई भी किसी भी चीज की अड़चन निर्माण नहीं होगी, क्योंकि उसने अपने मैं को छोड़ दिया है। जब तक मैं को पकड़कर रखते हैं तब तक बहुत सारी अड़चनें आती है, परंतु मैं को पकड़कर ना रखें तो फिर उसकी सभी जगह पर मस्ती ही मस्ती है, न तुम हो न वह है, बस मस्ती ही मस्ती है। वही परम प्रेम रूपी निर्गुण का सार है, जो त्रिगुण असार निर्गुण है सार। इस लाइन का जो स्पष्टीकरण है प्रेम और भक्ति के आधारित पर दिया गया है हरिपाठ में। अब हरिपाठ जो है, जो नारद सूत्र में भक्ति को अमृत स्वरूपा कहा गया है, क्यों कहा गया है, जिसने परम प्रेम को जाना है फिर उसकी कोई मृत्यु है ही नहीं, क्योंकि वो पहले से ही मर चुका है। अब वो मरेगा तो कैसे, मरना तभी तक शेष है जब तक तुम मिटे नहीं हो, मरे नहीं हो। मौत तभी आपको डराएगी जब तक हम हैं। जिसने अपने को खो दिया उसकी उसकी कैसी मौत है,
उसने अपने मृत्यु पर ही विजय पा ली। इसी को ही अमृत स्वरूप उपलब्धि हरिपाठ में दी गई है, नारद भक्ति सूत्र में दी गई है। तो मृत्यु का जो अहंकार है, मृत्यु अहंकार की होती है। जब भक्त उस स्वरूप में जीता है, परमात्मा को पाता है, परम स्वरूप में आ जाता है, तब तो उसके अहंकार की मृत्यु होती है। और जैसे अहंकार की मृत्यु होती है तब उसको सनातन, शाश्वत, सनातन वो रहता है, उसकी कोई मृत्यु नहीं, वो सदा के लिए जीता है। इसीलिए भक्त के पास हमेशा भगवान रहते हैं, परमात्मा रहते हैं। और एक उदाहरण दिया जाए तो संत हो गए हैं नामदेव जी, उनको हर पल हर क्षण पांडुरंग विठ्ठल के दर्शन होते थे। जब भी वो खाना खिलाते थे तो पांडुरंग के यानी विठ्ठल जी के दर्शन होते थे, परंतु बिना ज्ञान के वो तैयार नहीं थे। तो स्वयं परमात्मा पांडुरंग जी ने उनको कहा कि नामदेव, आप आलंदी में जाके संत ज्ञानेश्वर से मिलिए, तब आपको ज्ञान हो जाएगा। तो जब ज्ञानेश्वर जी के पास संत नामदेव जी आ गए और उनकी चर्चा हुई और उन्होंने एक दूसरे के साथ बात करके उन्होंने बताया कि आप बहुत बड़े संत हैं। ज्ञानेश्वर महाराज जी बोले उनको कि आप बहुत बड़े संत हैं, आपको रोज भगवान परमात्मा विठ्ठल जी के दर्शन होते हैं, तो आपका दर्शन करने से हमें परमात्मा का दर्शन हो गया है, तो हम आपके साथ यात्रा करना चाहते हैं। तो इसी बहाने से वो पंढरपुर दोनों भी एक साथ चले गए, ज्ञानेश्वरी महाराज जी और उनके भाई बहन और संत नामदेव जी, ये सभी मिलकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। जब वो पंढरपुर में पहुंचे तो पंढरपुर में ऐसी घटना हो गई कि नामदेव जी उनको हर रोज परमात्मा का दर्शन होते हुए भी वो अज्ञान थे। क्यों अज्ञान थे? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। तो ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि मैं आपको सिखा नहीं, जहां रह सकते नहीं तो आप जा सकते हो। इस चर्चा में आवाज कट रही है माँ, स्वयं परमात्मा ने भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि संत की वाणी जो होती है, कहने का मतलब यहाँ ये है। आ रही है मेरी आवाज? आ रही है? हाँ अब आ रही है, बीच बीच में कटती है माँ। अच्छा, नेट का प्रॉब्लम होने के कारण। तो फिर जब उनका जो चर्चा शुरू थी, तो उस चर्चा में उनको कहा गया कि आप पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुए हैं और मैं आपको सिखा नहीं सकता, अभी तक आप सीखने के लिए तैयार नहीं है। तो उसी नामदेव जी को संत की वाणी किस प्रकार की होती है? एक बार संत ने कहा तो परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए संत की वाणी में जो ताकत होती है, तो संत के माध्यम से, सद्गुरु के माध्यम से ही हम परमात्मा के पास पहुंचते हैं। कहने का मतलब यहाँ, कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमें इतने बड़े संत मिले हैं, सद्गुरु मिले हैं, तो संतों की वाणी और जो सद्गुरु की वाणी होती है, जो महात्माओं की वाणी होती है, उस वाणी में ही परमात्मा की वाणी छुपी हुई है। परंतु हम उनकी वाणी से उस वाकायत नहीं रहते और इसी कारण हम हर पर बात बहुत बार 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 हम भ्रम में जीते हैं। वो सत्य को हमें दर्शन कराते हैं, परंतु हमारी अज्ञानता के कारण, हमारी भ्रमित अवस्था के कारण, हमारे भ्रमित मन के कारण हम उनके वाणी को समझ नहीं पाते। तो परमात्मा में ही संतों के पास परमात्मा की इच्छा से, और हम वहां संतों की वाणी सुन ही नहीं रहे हैं, हम समझ में ही नहीं रहे हैं, तो परमात्मा का दर्शन हमें कैसे होगा? और हम चाहते हैं कि हमें परमात्मा का दर्शन हो,
हम चाहते हैं कि हमें परमात्मा के पास जाना है, परंतु परमात्मा ने भेजा हुए वाणी, भेजे हुए जो महात्मा है, संत है, उनके सानिध्य में जो हम रहते हैं, तो उनकी वाणी को हम अस्वीकार करते हैं। तो वो स्वीकार भाव हमारे मन में जब तक नहीं आता, तब तक हम अपने स्वयं के प्रति कैसे समर्पित होंगे? और हमारे प्रति, स्वयं के प्रति समर्पित होने के लिए हमारे ही चिंतन, चिंतन की, मनन की और निधिध्यासन की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है। और जब तक विवेक नहीं तब तक वैराग्य नहीं, और जब तक वैराग्य नहीं तब तक विवेक की फलश्रुति नहीं। तो एक इस सभी के लिए हमें जो हरिपाठ का सारा सार विचार है, ये विचार करना अनिवार्य है। जैसे जैसे हमारा अहंकार की मृत्यु होगी, अहंकार धीरे 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 समाप्त हो जाएगा, वैसे वैसे हम अपनी सीढ़ियों पर चढ़ते जाएंगे। और उसके लिए हमें संतों की वाणी का आदर करना है, संतों की वाणी को स्वीकार करना है। वो क्या बता रहे हैं, हमें क्या बार बार हमें दर्शा रहे हैं, किसी ना किसी माध्यम से हमें बोध करवा रहे हैं, परंतु हमारी सुनने की क्षमता, श्रवण की क्षमता, मनन की क्षमता, चिंतन की क्षमता कम है। और हम दोष किसी को देते हैं, दूसरों को। तो पहले हम अपने के, अपने भीतर के प्रति ये गुणों का विकास करना है, जो त्रिगुण असार निर्गुण है सार। जब तक आप अपने गुणों का विकास नहीं करते, तब तक उस निराकार परमात्मा को, निर्गुण सार को आप कैसे पहचानेंगे? तो उसके पहले हमें इस त्रिगुण का ही विचार करना है, विवेक को जागृत करना है। विवेक के माध्यम से हमें इस त्रिगुण असार, जो असत्य है, उसको पहचान कर फिर हम सत्य का दर्शन करेंगे। ऐसे भक्ति में और योग में फर्क है। जैसे भक्त में स्वयं को मिटाना होता है और योग में भी मिटाना होता है, परंतु भक्त की जो छलांग होती है, वैसे योग में छलांग नहीं, योग में सीढ़ियों को चढ़कर जाना पड़ता है। तो जैसे जैसे आप, हमारी जो काल्पनिकता है, हमारी जो सोच है, हमारे जो हमने अहंकार की जो प्रतिमा बनाई है, वो सारा सब जब तक हमारे भाव छूटते नहीं है, तब तक हम उसके प्रति अधूरे ही है। और हमारी मृत्यु हम साथ लेके ही चलना है। उस भक्ति को पाकर जब मनुष्य सिद्ध हो जाता है, स्वयं को खोते ही व्यक्ति सिद्ध होता है, उसका सारा भटकाव अहंकार का है। जब तक तुम हो तब तक भटकाव है। हम मिटे कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए, और मिटने में ही पहुंचना है। जब तक हम कोई भी बीज ले लो, जब तक बीज हम बोते नहीं और बीज स्वयं को समाप्त नहीं हो जाता, तब तक पौधा बनता नहीं है। उसी प्रकार भक्त ने भी, कोई भी साधक हो, साधना करने वाला कोई भी साधक हो, स्वयं को मिटाना होता है तभी वो वहां तक पहुंचता है। तो मिटने में ही हमें पहुंचना है। भक्ति को जो मनुष्य को भक्ति प्राप्त होने पर ना किसी वस्तु की चाहत होती है, ना वो द्वेष करता है, ये उसके लक्षण है। ना वो किसी से आसक्त है, ना विषय भोगों में उत्साह होता है। उस भक्ति को जानकर, प्राप्त कर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है। अब उन्मत्त अवस्था तीन चार प्रकार, बहुत सारे प्रकार की उन्मत्त अवस्था है। तो यहाँ जो भक्त की अवस्था दी है वो क्या है, ना किसी वस्तु की चाहत होती है, ना द्वेष करता है, ना आसक्त होता है, ना विषय भोगों में उत्साह होता है। उस भक्ति को जानकर, प्राप्त कर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, उस आत्माराम होकर स्तब्ध हो जाता है। उन्मत्त होना है उस आत्माराम की स्थिति में स्तब्ध हो जाता है। जब भक्त के जीवन में परमात्मा उतरता है, तब भक्त मार्ग से हटकर उस परमात्मा के द्वार खोलकर, खुलाकर जगह देता है परमात्मा को उतारने के लिए। यानी आपने इस अर्थ को पूर्ण रूप से जानिए, परमात्मा खुद नहीं आते, हमें ही, हमारा ही द्वार खुला होना पड़ता है। जब तक हम उस अहंकार रूपी द्वार को मिटाकर दरवाजे को खुला नहीं करते, तब तक परमात्मा हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। तो भक्त का एक गुण है कि जब तक वो उस द्वार को हटाकर, उस मार्ग को हटाकर, द्वार को खुलाकर नहीं देता, तब तक परमात्मा भी भीतर नहीं आ जाता।
तब एक आंधी आती है, तूफान उठता है, फिर जो कभी नहीं जाता, फिर भक्त किसी और ही जगत में जाता है, फिर वह जीता नहीं, परमात्मा ही उसमें जीता है। अब देखें, देव पहावायसी गिरो देवती होने ठेलो। जैसे परमात्मा भक्त के भीतर उतरता है, वैसे ही भक्त मिट जाता है और परमात्मा ही उसका स्वरूप हो जाता है। तो उसमें कौन जीता है? भक्त के भीतर परमात्मा जीता है। यही पूरी तरह हरिपाठ का सार है, जो हम पहले लाइन में बता रहे हैं कि सार क्या है। सार तत्व है, और उस तत्व को एक बार हमारे भीतर उतारा जाए, तब वही तत्व, वही सार हमें जीवन देता है, हमें जीत उसमें वही जीता है। तो भक्ति परमात्मा को खोजने की कला नहीं है, बल्कि अपने को खोने की कला है। आज तक हम क्या कह रहे हैं कि भक्ति एक कला है, भक्ति एक कला है, परंतु भक्ति परमात्मा को खोजने के लिए कोई शस्त्र, कोई शास्त्र वगैरह कुछ नहीं है। वो तो हमें खोने के लिए एक शास्त्र है, हमें खोने के लिए एक शस्त्र है। ये महत्वपूर्ण निर्गुण तत्व हरिपाठ का सार है। इसीलिए त्रिगुण तत्व असार तथा गौण मालूम पड़ते हैं और निर्गुण तत्व सारभूत होते हैं। हम आज तक भक्ति को ही कला कह रहे हैं, भक्ति को ही कुछ ऐसे कह रहे हैं कि भक्ति हमारे भीतर आनी चाहिए, भक्ति हमारे भीतर आनी चाहिए, परंतु हरिपाठ कह रहा है कि अपने को खोने की कला ही हरिपाठ है। वो तो परमात्मा के खोजने के लिए भक्ति नहीं है, हमें स्वयं को खोजने के लिए भक्ति है। बस जब तक हम स्वयं को खोजते नहीं, तब तक निर्गुण जो त्रिगुण का असार है, जो जगत का असत्य है, वो मिट नहीं जाता और ब्रह्म सत्य साकार नहीं होता, निर्गुण सत्य साकार नहीं होता। तो निर्गुण तत्व हमें सारभूत लगने लगता है, और यही निर्गुण तथा सगुण तत्व का सारा सार पूर्णतया विचार जो है वो हरिपाठ में दिया गया है। वो ये जो पहली लाइन थी, त्रिगुण असार निर्गुण है सारा विचार हरिपाठ, ये पूर्ण रूप से त्रिगुण के क्या गुण है, इस गुणों को हमारे भीतर उतर कर उस हमें खोजना है। ये हो गया त्रिगुण असार। जब तक हम विवेक के माध्यम से उस असार को, उस असत्य को खोजते नहीं, तब तक हमें निर्गुण यानी जो सार है उसकी बोध नहीं होगा, उसका बोध नहीं होगा। और यही बोध करने के लिए हमें हरिपाठ को साथ लेकर सारा सार विचार करके विवेक के माध्यम से उस सत्य को बोध हमें करना है, और यही सत्य हरिपाठ में दिया गया है। अब जो दूसरा श्लोक दिया है, सगुण निर्गुण गुणाचे अगुण हरिविन मन व्यर्थ जाय। कितना समय? 10 मिनट है, जितना होता है उतना लेंगे। सगुण निर्गुण गुणाचे अगुण हरिविन मन व्यर्थ जाय। सगुण और निर्गुण, इन दोनों में गुण आते हैं। जैसे यहाँ अर्थ दिया गया है, परमात्मा का स्वरूप सगुण एवं निर्गुण यानी गुणों से युक्त और गुण रहित दोनों प्रकार का है, इसलिए हरि के अलावा अन्य वस्तुओं में मन को व्यक्त ना करे, व्यस्त ना करे, व्यर्थ ना जाए। यानी सगुण और निर्गुण जो होते हैं, ये दोनों भी जो गुण आते हैं ना, जहां गुण आता है वहां परिणाम होता है। चेतना ऐसी स्थिति है जहां परिणाम नहीं होता। जहां गुण समाप्त होते हैं तब अगुण की शुरुआत होती है और परमात्मा का अवतरण हो जाता है। जिस मन में हरि ना हो वह मन व्यर्थ है। अब कैसे व्यर्थ है? तो हमारी किताब में एक शंकराचार्य जी ने कहा गया है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्यते एवं रूपो विनिच्छे। यानी वो दृष्टांत दे रहे हैं कि जगत है तो ब्रह्म है और ब्रह्म है तो जगत है, दोनों एक दूसरे के पूरक है।
रूप के बिना तेज नहीं, सूर्य के बिना तेज नहीं, नेत्र के बिना तेज नहीं, घट के बिना मिट्टी नहीं, तरंग के बिना जल नहीं, अनात्मा के बिना आत्मा नहीं। उसी प्रकार ये जो जैसे हम रस्सी देखते हैं, रस्सी को देखकर हम सर्प के सर्प दिख गए ऐसे बोलते हैं, तो आपने देखा होगा रस्सी में सर्प दिखता तो है, तो सर्प मिथ्य है या रस्सी मिथ्य है? हम वो तो करते हैं कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य या ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, परंतु जब रस्सी में सर्प दिखता है तो सर्प मिथ्य है या रस्सी मिथ्या? और एक उदाहरण दिया जाए तो सीप में मोती दिखता है तो सीप मिथ्य है या मोती मिथ्य है? एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है कि जब आप हर हमारा जो भ्रमित मन है ना, उस मन के प्रति हमारे परिणाम स्वरूप मन के ऊपर परिणाम आते हैं, हम सर्प को सर्प है कहने से ज्यादा जब रस्सी दिखी तो रस्सी को ही हम सर्प कहते सत्य मानते हैं, तो रस्सी को हम मिथ्या नहीं कह सकते क्योंकि हमने देखा है कि वो सर्प है, तो हम वहां मिथ्या नहीं कर सकते। और जब आंख खुलती है या लाइट लगती है तो जब पता चलता है कि ये सर्प नहीं ये रस्सी है। तो इस प्रकार हमारी भूमिका हमारे जीवन में हम जीते हैं, ना सत्य का बोध है ना असत्य का बोध है, बस हम अपने ही मन से अपने ही भ्रमित मन में जी रहे हैं। हम अपना पूरा जीवन विद्युत से जीते हैं, सारे जगत का मूल आधार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, व्यक्ति का जो शरीर है ना उसी से बना हुआ है, जिसे हम त्रिमूर्ति भी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। सारे शरीर की जो यात्रा है वो विद्युत की यात्रा है, जीवन का सभी हिस्सा विद्युत से जुड़ा हुआ है। ये तो हम जितने भी सारे शिविरार्थी जितने भी यहाँ साधक है इन सभी ने इसका अनुभव किया है ऊर्जा के माध्यम से, कि हमारा शरीर विद्युत से ही जुड़ा हुआ है। इसी विद्युत धारा को हम समझ नहीं पाते, कोई इसे विद्युत कहता है, कोई शब्द कहता है, ऐसे इस प्रकार से मानसविद ऋषि कहते हैं कि शब्द है उसी से ऊर्जा संगठित हुई, और विज्ञान कहता है विद्युत इसी से शब्द बना। हमारे जितने भी सारे कोर्स हो रहे हैं उसमें प्रार्थना एनर्जी ऊर्जा हीट इस प्रकार का जो सभी का जो मूल बनाया गया है, इसका कारण ही है ये है कि ये सब जहाँ विद्युत है वहां ऊर्जा है, वहां शब्द है, जहाँ ऊर्जा है वहां शब्द है, जहाँ शब्द है वहां ऊर्जा है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और उसी से प्रार्थना उठती है। तो जब भी ये संगठित हुई और उसको ही विज्ञान कहता है कि विद्युत बनी इसी से शब्द बना है। वैसे तो दोनों अपनी जगह पर ठीक ही है, कोई गलत नहीं, भेद केवल हमारे समझने का है। जिसको शब्द का अनुभव होता है, जैसे 10 नाद है, 10 नादों का साधना में 10 नादों का एक एक नाद का अनुभव साधक करता है, उसी प्रकार ऊर्जा का ही साधक अनुभव करता है। हम बुद्ध शुद्धि क्रिया कर रहे हैं, गुरु क्रिया कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें ये सारे अनुभव अनुभूति के क्षेत्र में हम उतरते रहते हैं। किसी को नादों का नाद सुनाई देते हैं, किसी को एनर्जी महसूस होती है, तो किसी को मन के अंदर जो भीतर जो प्रार्थना उठती है, जो शब्द स्फुरण होते हैं, जो करुणा स्फुरित होती है, वो भी एक साधना का स्तर है। तो ये जितने भी है वो हमारे समझने का भेद है। विद्युत कहे या शब्द, कोई भी बात एक ही है, रहे या निर्गुण, इसमें कोई उतना भेद नहीं, भेद केवल हमारे समझने का है। अब निर्गुण को जानना है तो सगुण को साथ लेकर ही जाना होगा, तभी तो हम निर्गुण के प्रति
पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे। इसीलिए ये जो यात्रा है सगुण और निर्गुण की, जैसे छोटा बच्चा होता है और माँ होती है, माँ को बिना आवाज दिए हुए बिना बच्चे की आहट से माँ को अंदर से पता चलता है कि बच्चे को भूख लगी है या बच्चा रो रहा है या बच्चा अस्थिर है। बिना देखे माँ समझ जाती है, किसलिए समझ जाती है। यह सगुण और निर्गुण का दोनों का भी स्वरूप आपको दिखाई देगा जब आप निर्भाव से देखेंगे, अविर्भूत होकर देखेंगे तो वो चीज उस घटना को आप दोनों में भी महसूस करेंगे। बच्चे और माँ का जो स्वरूप है वो सगुण का है, लेकिन अनुभूति जो होती है वो निर्गुण के प्रति होती है। बिना बोले बिना कुछ के बिना माँ को अंदर से ही फील होता है। जैसे सगुण का अर्थ सद्गुण है, अच्छा गुण, जिसमें अच्छा गुण हो उसे सगुण कहते हैं। किसे आप सगुण कहकर भक्त को मूर्ति से सहजता मालूम पड़ी, इसलिए उसने भी नया निर्माण किया। अब देखो सगुण को साथ लेकर ही निर्गुण की ओर ले गए, परंतु निर्गुण है इसीलिए सगुण दिखाई देता है, वो सारे सगुण के स्वरूप है। और जो नहीं दिखाई देता न तत्र गण, एक कठोपनिषद में केना उपनिषद में एक लाइन है जो हमेशा कहते हैं कि न तत्र चक्षु गच्छति न वाक गच्छति न विजा नियमो यथे तदुनिश्चर, यानी तत्व कैसे है तो आंखों से दिखाई नहीं देता, वाणी से बताना नहीं आता, मन से जानना नहीं आता। इस प्रकार मूलतः जानने का विषय नहीं है, जो तत्व जो है वो मूलतः जानने का विषय नहीं है, इसीलिए कहते हैं आचार्य वक्ता कुशलानु शिष्य। शायद समय समाप्त हो चुका है, ये जो दूसरा चरण है, सॉरी तीसरा चरण सगुण निर्गुण गुणाचय गुण हरि बिना मन व्यर्थ जाए, दूसरा चरण वो हम अगले क्लास में उसको शुरू करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने शांति से इस सत्र को सुना, और प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी चिंतन की ओर आप अग्रसर हो, बस यही प्रार्थना के साथ इस सत्र को हम समाप्त करेंगे। वागला सर आप है? जी हाँ जी हाँ हूँ जी हूँ मैं जी। धन्यवाद आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस सत्र में बहुत अच्छी तरह एग्जांपल से भी आपने समझाया और अच्छी तरह ये व्याख्यान हुआ और सभी को समझ में भी आया होगा आशा करता हूँ, और सभी ने भी अच्छा सहयोग दिया जैसे कि अपना माइक म्यूट रख के कैमरा न चालू करते हुए सभी ने शांतिपूर्वक सुना और इस सत्र का शोभा बढ़ाई। उस बदल सभी साधक साधिका को सभी को प्रणाम और धन्यवाद, और हम अगले सत्र में मिलेंगे जो प्रश्न और उत्तर का रहेगा। तो सभी साधक साधिका को निवेदन है कि यह प्रश्न के साथ आप सभी आए, और अगर आप बोल नहीं सकते हैं तो आप प्रश्न डाल भी सकते हैं ग्रुप में, तो उसके ऊपर चर्चा होगी और इसका हमें चिंतन होगा और हमें ज्ञान मिलेगा। तो और एक बार सभी का धन्यवाद और सभी का आभार, और आचार्य जी से प्रार्थना करूंगा कि वह प्रार्थना के साथ इस सत्र को विराम करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, हम प्रार्थना के साथ इस सत्र की शांति पाठ से इस सत्र को समाप्त करेंगे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद सभी को।
धन्यवाद आचार्य जी और सभी लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।